रेनिशा जी, हालांकि आप ऑनलाइन बिजनेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन हेजिंग तो उन्हें भी करना है, उन्हें भी डिलीवरी लेनी है, ऊपर के भाव पे उन्होंने अगर माल रखा हुआ है तो आप क्या सलाह देंगी, जो हेजर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है? जी शुभम जी और बाकी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्ते। जी मैं ये कहना चाहूंगी, सी गोल्ड में अगर ट्रेडिंग करनी है तो दो तरह के इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे हैं ज्वेलर्स, और ज्वेलर्स के साथ रिफाइनर्स या फिर बुलियन ट्रेडर्स या फिर गोल्ड के इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, जैसे MCX पर और NCDX पर वो अपनी हेजिंग पोजीशंस बना सकते हैं। और जो ज्वेलर्स और रिफाइनर्स और इम्पोर्टर्स हैं, ज्यादातर वो बाकी की भी हमारे पास एक्सचेंजेस हैं उसमें भी अपनी पोजीशंस बनाते हैं। अभी पिछले एक साल में काफी डेवलप हुआ है गोल्ड का मार्केट, तो हमारे पास स्पॉट एक्सचेंज है गोल्ड की, फिर हमारे पास IIBX है, एंड देन वी ऑल्सो हैव इंडिया INX। तो ये सारे और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पर 1 ग्राम से लेके 1 kg और उससे ज्यादा क्वांटिटीज में भी आप अपनी पोजीशंस की हेज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है सिमिलर टू MCX। तो आजकल हमारे पास सिर्फ दो एक्सचेंजेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी 15 सालों से, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं ज्वेलर्स के पास या फिर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, जैसे आप बात कर रहे हैं, जो अपने गोल्ड को हेज करते हैं। और हेज करना भी चाहिए क्योंकि प्राइस काफी वॉलेटाइल हो गई है। हर साल हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 11-12% जितना प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी गोल्ड के बिजनेस में है सभी सब अभी अपना पोजीशंस को हेज करते हैं ऑलमोस्ट। काफी एग्रीमेंट्स भी यूज होते हैं आजकल, गोल्ड लीज एग्रीमेंट्स भी यूज होते हैं। तो ये कई तरीके हैं जो आप इस बिजनेस में यूज करते हैं अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। यानी अगर आपको कारोबार को लॉन्ग टर्म में चलाना है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस करना है, तो मार्जिन ग्राहकों पर शिफ्ट करने की बजाय, इधर उधर करने की बजाय, छोटे ज्वेलर्स के लिए यही सलाह होगी कि आप अपने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करें, उनकी सलाह लें और कोशिश करें जो भी इन्वेंट्री है उसको हेज करके जाए। आपका नुकसान भी कम नहीं होगा, लंबी अवधि में नुकसान भी कम कर सकते हैं और अपने जो मार्जिन है उसको बनाए रख सकते हैं और लंबी अवधि में बेहतर कारोबारी भी आप बन सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें निकल कर आ रही है।